तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला, डी सम पी काउंट जैसे फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले के बारे में आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास इस तरह का डेटा है, मुझे इसमें टोटल चाहिए, बट टोटल के लिए मेरे पास क्राइटेरिया है कि फाइनेंस और पूजा का क्वांटिटी का टोटल चाहिए, हेल्थ केयर में एमआरपी ग्रेटर देन 10 हो उसका टोटल चाहिए, और सर्विसेज में क्वार्टर 3 का टोटल चाहिए। तो अगर आप सम इफ्स लगाएंगे तो 1 by 1 सब में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वल मैं जो है क्या करूंगा, डी सम करूंगा, डेटाबेस सम। देखिए डी सम, डी काउंट, डेटाबेस के जितने फॉर्मूले है सबको लगाने का तरीका एक जैसा। तो डी सेम हमने डेटाबेस को सिलेक्ट किया, फिर किसको सम करना है, तो क्वांटिटी को सम करना है। अब क्वांटिटी को सिलेक्ट कर दे या ब्रैकेट में दे दे, कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ पे देता है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया को आप हेडिंग के साथ जो क्राइटेरिया आपका है उसको सेलेक्ट कर दें और एंटर प्रेस करें। रिजल्ट आपके सामने 214 आया। तो इसने फाइनेंस में पूजा को लिया, हेल्थ केयर में इसने ग्रेटर देन कर लिया, सर्विसेज में इसने क्वांटिटी कर लिया। तो डी सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। ऐसे ही आप अगर डी काउंट चाहते हैं तो डी यहाँ पे डी काउंट में डेटाबेस को सिलेक्ट कीजिए, बाद आप जिस फील्ड को काउंट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और क्राइटेरिया को सेलेक्ट। एक्सक्यूज मी सर, ये टेबल फॉर्मेट में ऐसा तो नहीं है? नॉर्मल है, नॉर्मल है, सिंपल में भी चलेगा, नॉर्मल एक्सेल में भी, ये जो नॉर्मल एक्सेल है, टेबल तो नहीं है, नॉर्मल ही है, पर टेबल टूल्स आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो विजन खत्म। चार काउंट है सर, चार मैच किया इसने। क्या कि आप पहले गया फिल्टर लगाया आपने फाइनेंस का, फाइनेंस को फिल्टर लगाया, फाइनेंस में पूजा को देखा, तो फाइनेंस में पूजा इसने एक यहाँ पे रख दिया। फिर दूसरा बार उसने क्या किया, फिल्टर लगाया, किसका फिल्टर लगाया, हेल्थ केयर में और ग्रेटर देन 10 में, ग्रेटर देन 10 वाला उठा लिया, जैसे कि ये दो या तीन हो गया ना। हाँ जी, फिर यहाँ पे आया और तीसरा सर्विसेज को लाया उसने। सर्विसेज में क्या था, सर्विसेज में तो क्वार्टर 3 एक है, तो चार हो गया ना सर। ओके, इस तरह से चार एंट्री पकड़ी है। क्वांटिटी काउंट काउंट से काम काउंट ही करना गया ना इससे पहले। यहाँ पे काउंट किया, ऐसे आपका डी काउंट अगर लगाते हैं, डी काउंट ए, तो क्या जाएगा, टेक्स्ट डेट, और इसलिए क्या है कि टेक्स्ट को काउंट नहीं किया, मान लीजिए आपका नेम को काउंट कर रहा है, रीजन को काउंट कर रहा है। तो हमने डेटाबेस को सिलेक्ट किया, लगाने का तरीका सेम है, डेटाबेस को सिलेक्ट कीजिए, रीजन को सिलेक्ट किया और क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया। तो आप इसमें एफएक्स में आइए और एफएक्स में यहां पे आप सिलेक्ट कीजिए डेटाबेस फॉर्मूला।
इसमें देखिए डी एवरेज आपका एवरेज निकालता है, डी काउंट काउंट निकालता है, डी काउंट ए निकालता है, डी मैक्स मैक्सिमम, डी मीन मिनिमम, डी को मल्टीप्लाई करता है, डेविएशन निकालता है, डी सम ए वेरिएंट निकालता है। ये फॉर्मूला लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं। okay. ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या मल्टीप्लाई करता है सर? मल्टीप्लाई हाँ, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें डी गेट का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे फाइनेंस में इंदर का टोटल चाहिए, समझे जी, फाइनेंस में इंदर का टोटल चाहिए, तो वी लुक का वाले मेथड में आपको ज्वाइन ज्वाइन करना पड़ेगा ना। जी जी जी, यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आप डी गेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। डी गेट, डी गेट डेटाबेस को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा फील्ड क्या चाहिए मुझे, क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया, और क्राइटेरिया में हमने सिलेक्ट कर लिया जो क्राइटेरिया था, यहाँ देखिए 51 आ गया। विक्टर क्लियर है, बट इसकी एक प्रॉब्लम है, ये रिपीट हो गया, ये एरर है। मतलब कि आपको रिजल्ट तभी देगा जब कंडीशन से आपने दिया है वो यूनिक हो, यूनिक हो होता है तो फिर आपका ये नहीं होगा। ठीक है, तो डेटाबेस वाले फॉर्मूले आप अप्लाई कीजिए। तो इसके लिए अगर यूनिक है और उसके लिए भी करना है तो उसके लिए क्या फिर डी सम डेटाबेस के बाद हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर्मूले। देखिए इंफॉर्मेशन फॉर्मूला जो है मोस्टली फॉर्मूला ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जैसे कि इंच की फॉर्मूला की बात करें, इंच ब्लैंक, अगर सेल ब्लैंक है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। इंच एरर, अगर एरर है तो देगा ट्रू अदरवाइज फॉल्स। इंच एरर, अब दोनों एरर में मतलब हुआ कि सारे एरर को देख लीजिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि डीआईवी का एरर आया तो ट्रू आता है, बट एनए का अगर एरर आता है तो एनए को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, नीचे का फॉर्मूला जो इच एरर है वो एनए को एक्सेप्ट कर लेता है। तो 2003 में जब हमारे पास इफ एरर का फॉर्मूला नहीं था ना सर जी, उस समय हम इसी का यूज करते थे। कैसे करते थे कि इफ अगर ए यहां पे इज एरर, अगर ट्रू है तो ब्लैंक, अदरवाइज यहां पे हम उस नंबर देते हैं, चाहे इसी को मेंशन करते हैं। ब्लैंक आया ना, यहां पे नंबर होगा, रिजल्ट आएगा। इज
एरर का यूज करते थे। उसी तरह से आपके पास यहाँ पे आता है इज एरर के बाद इज इवन, अगर नंबर इवन हुआ तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। इज फॉर्मूला, आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें फॉर्मूला लगा हुआ है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। इज लॉजिकल, अगर रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आया हुआ है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। लोग ट्रू को लिख देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं इस तरह से, या ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर आप इसको और इज ट्रू के अंदर डालें तो फॉल्स आ जाएगा, इज लॉजिकल। ठीक है, ट्रू फॉर्मेट में हुआ तभी आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इस तरह से इज एनए, अगर एनए हुआ तो ट्रू एंड फॉल्स। सर ये कहाँ पे यूज होता है ये अभी? इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला है, इन्फॉर्मेशन। अब जैसे आप सुनते होगे ना कि इन्फॉर्मेशन चोरी हो रहा है, आप बोलेंगे कि मेरा मोबाइल नंबर और मेरा नाम और ईमेल आईडी को जान के मुझे क्या कर ले? तो अगर वो सही पर्सन का हाथ में लग जाए तो वो आपकी इंफॉर्मेशन से बहुत चीज कर सकता है, आपके वो प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या किसी भी सर्विसेज को लेने के लिए मोटिवेट कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है, समझ गए? कॉल्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू, मेल्स के थ्रू, उसी तरीके से इंफॉर्मेशन है। आगे चल के अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने पहला लगाया था, क्या लगाया था? इज ब्लैंक। मान लीजिए मुझे यहाँ देना है कि अगर ये ब्लैंक हुआ तो कुछ तो ओके करना, अगर पेंडिंग करना है तो आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला? इज ग्रेटर देन जीरो करेंगे ना जी, देन ओके अदरवाइज पेंडिंग। तो अब यहाँ पे माइनस में कोई फिगर दिया होगा तो काम कर रहा है आपका? नहीं सर। तो आपको ब्लैंक पे करना है और आपने ग्रेटर देन जीरो दिया, बट क्या है कि आपके सिस्टम में यही क्या है, माइनस है। जैसे ब्लैंक भी हो सकता है, जैसे ये ब्लैंक है, ठीक है ना? मैं यहाँ पे करूँ कि इफ अगर ए ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ पे क्या क्यों? क्योंकि इसने फॉर्मूला के थ्रू ब्लैंक किया, बात समझे? तो हम इच ब्लैंक को अप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे कि इफ इच ब्लैंक अगर ट्रू है तो ओके अदरवाइज ब्लैंक। समझ में आ गया सर? जी सर। हाँ यूज होता है। चलिए एक और एग्जांपल, इसके फॉर्मूले सीख गए। अब चलिए एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे कि मुझे मेरा सीट का नाम चाहिए, जिस सीट पे मैं टाइप कर रहा हूँ सीट का नाम मुझे चाहिए, तो इंफॉर्मेशन फॉर्मूले में भी होता है सेल। सेल फॉर्मूले अगर आप लगाते हैं तो इसमें देना होता है फाइल नेम। फाइल नेम को अगर आपने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, ये पूरा का पूरा क्या देगा? पाथ देगा। अब मैं इसमें सीट नेम अलग कर सकता हूं कैसे? मैं यहां पे फाइंड का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहां सिलेक्ट करूंगा, बता दिया 36। अब मैं राइट का फॉर्मूला लगाता हूं, इसको बोलता हूं कि इसमें से इसकी कंप्लीट लेन आ गया। अब सीट का नाम मैं कुछ भी दूंगा, मैं इसका सीट का नाम दे दिया एरे। एंटरप्रेस कीजिए, एरे आ गया। तो इन्फॉर्मेशन फॉर्मूले क्या करता है कि उसका सिंगल कोई रोल नहीं है,
सिंगल तो आपको लगेगा एल्गोरिथम से टाइम वेस्ट कर रहा है, बट किसी फॉर्मूले के साथ जुड़ता है तो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है जी सर। ऐसे ही अब मान लीजिए अभी आप इफ एरर यूज करते हैं ना, आप सर इमेजिन कीजिए कि 2003 में जब इफ एरर नहीं था तो हम लोग इज एरर का कितना यूज करते थे, पास यहाँ पे इन्फो का फॉर्मूला है आपके पास। इन्फो का फॉर्मूला क्या करता है, ये बताता है कि आपका सिस्टम क्या है, डायरेक्टरी क्या है, रिलीज क्या है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि मेरा रिलीज क्या है 6.0, 6.0 मतलब 2016 नहीं 2019। इसको अब इसको देखने के लिए काम और भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करते थे, जब इन्फो मामला मुझे पता नहीं था तो हम लोग जाते थे सी ड्राइव में, सी ड्राइव में जहां पर विंडो स्टोर है उसमें प्रोग्राम फाइल, उसमें एमएस ऑफिस। तो यहाँ पे देखिए ऑफिस 15 है, मतलब कि 2016 के बोल रहे समझे, ऑफिस 16 है, ऑफिस 14 मतलब कि 2003, ऑफिस 15 मतलब 2000 नहीं, ऑफिस 40 मतलब 2007 नहीं सर, ऑफिस 16 मतलब होता है ऑफिस 2003 का था, आपका 13 10 का आया, 7 का था 13, 7 का 12 था, 10 का 13 था, 2003 का 14 था, 2016 का 15 है, 2019 का 16 है, रिलीज वर्जन। अब माइक्रोसॉफ्ट तो कंफ्यूजन हो गए तो आप क्या करेंगे, इन्फो लगाएंगे फॉर्मूला, इन्फो में आप सेलेक्ट कर लेंगे सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में बता देगा कि मेरा डॉस बेस्ड सिस्टम, ठीक है। तो मैच देगा लिनक्स होगा तो लिनक्स दे, क्लियर है। उसी तरह से आप मान लीजिए कि इस पे डेटा डाला हुआ है, ये डेटा का टाइप क्या है, किस तरह का डेटा डाला हुआ है, तो टाइप यूज कर लीजिए। वन मतलब नंबर, टू मतलब टेक्स्ट, वो नंबर अधूरा अलग है, नंबर और इसको ब्लैंक को भी नंबर ही घुसता है। उस तरह से यहाँ पे सेल के अंदर भी आप टाइप ले सकते हैं, यहाँ पे टाइप है ये अलग देगा का, हमें सेल को सिलेक्ट करना है। एन मतलब लेटर, बी मतलब ब्लैंक, बी मतलब वैल्यू, समझे। और एरर है तो क्या करेगा, एरर तो वी आता है, ये डेट में भी वैल्यू ले रहा है, डेट में नंबर ही होता है सिस्टम के लिए। ओह राइट राइट। तो आप क्या कीजिए, अब आप कीजिए एफएक्स पे जाइए, एफएक्स पे जाने के बाद डेटाबेस वाले सारे फॉर्मूले को टेस्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ इंफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले को आप जो है पूरा चेक कर लीजिए, ठीक है। जो फॉर्मूला समझ में ना आए उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे फाइनेंशियल फॉर्मूले के पास, ठीक है भुवन जी। ठीक है सर, ठीक है सर, राइट सर। पिछली 2-3 क्लास अटेंड नहीं हो पाई नेटवर्क की वजह से, मैं तो उसका वीडियो ढूंढ रहा हूं, मैं ढूंढ के देता हूं। जी सर, थैंक यू सर। सर एक